अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैजान और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी बस कंपनी का जो कि पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन लेके आई, यानी कि वीडियो ने मास्टर साहब सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में उत्पाद करवाया। तो मैं बात कर रहा हूँ बिलाल ट्रैवल्स की। इनका आज मैं मुकम्मल रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा, रिव्यूज़ दूँगा कि ये बस सर्विस कैसी है। तो वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा, जैसे आप क्या वीडियो। मौजूद दोस्तों, बिलाल ट्रैवल्स लॉन्ची 2011 में, और 2011 में ही इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली बिकॉज़ ये कुछ यूनिक टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में ही लग्जरी बसेस प्रोवाइड की। इसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली बस कंपनी है, जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया, जिन्होंने आपको सबसे पहले हर सीट के पीछे वीडियो निर्माण सिस्टम प्रोवाइड किया, जो कि एक यूनिक थिंग थी। एंड इससे इंस्पायर होकर पाकिस्तान की दीगर बड़ी कंपनीज़ ने भी अपनी बसेस के अंदर इस सिस्टम को इंक्लूड किया, और ऐसे ये बढ़ता गया और आजकल ये आम हुआ पड़ा है ये सिस्टम। और इसके अलावा बिलाल ट्रैवल्स की अगर बात की जाए तो इनके फेयर्स काफ़ी रीज़नेबल हैं, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी बस कंपनी है। लाहौर में इनका अब हब कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के 30 शहरों में ऑपरेट करती है, और इसके अलावा इनके 20 बस टर्मिनल्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब इनकी बसेस की बात की जाए तो इनके पास भी हर टाइप्स की बसेस मौजूद हैं, जिस तरह इनके कंपटीटर्स के पास मौजूद हैं। अगर इनकी सबसे अच्छी मतलब बिजनेस क्लास बस की बात करें तो वो इनके पास मैन कंपनी की मौजूद है, जो कि एक जर्मनी की बस कंपनी है। और इसके अलावा उस बस में आपको 31 सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा मैन की एक और कैटेगरी भी इनके पास मौजूद है, जिसमें 45 सीट्स हैं। और यहाँ पर इनके पास और भी काफ़ी बसेस मौजूद हैं। सबसे पुरानी बस इनकी स्टैंडर्ड डाइवो है, जो कि BH116 मॉडल है उसका। इसके अलावा काजे की बसेस मौजूद हैं, डाइवो का लेटेस्ट बस मौजूद है जो कि डाइवो का मॉडल BH120 है। इसके अलावा इनके पास यूडो की बसेस हैं, जो कि पार्टीशन वाली हैं, आधी इकोनॉमिक क्लासेस में आती हैं, आधी बिजनेस में आती हैं, जिसमें आपको कुछ सीट्स पर ज़्यादा लग्जरी ट्रैवल करने का मौका मिलता है और कुछ भी आपको थोड़ा कम। तो इनके पास वो बसेस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर मेजर रूट्स की बात कीजिए जिनको बिलाल ट्रैवल्स कवर करती है, तो वो लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर पेशावर, लाहौर फैसलाबाद, लाहौर मुल्तान, और बहुत सारे ऐसे बड़े रूट्स हैं जिनको ये कवर कर रही है। और इसके अलावा इनके जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे हैं, ये कोलैबोरेशन करते रहते हैं। जैसा कि इनके कोहिस्तान के साथ फैसलाबाद में कोहिस्तान ट्रैवल्स है, उनके साथ इनके कोलैबोरेशन है, उनके टर्मिनल्स यूज़ करते हैं, अलहलाल ट्रैवल्स के टर्मिनल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाहौर में इनकी अब रिसेंटली क्यू कनेक्ट के साथ कोलैबोरेशन हुई है, जिसमें इन्होंने क्यू कनेक्ट, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट लग्जरी बस कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने इस्लामाबाद के लिए बिजनेस क्लास बसेज जो उनकी हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो ये बहुत सारी ऐसे काम करते रहते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की जो बस इंडस्ट्री है उसमें एक नाम बनाया हुआ है। और इन्होंने 2011 में जिस टाइम पर पाकिस्तान में ऐसी बसेस लॉन्च की, उस वक्त पाकिस्तान में डाइवो बसेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, और चंद ही कंपनी थी जिन्होंने इसको खरीदा हुआ था और अपने कस्टमर को इसे फैसिलिटेट करी थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा बसेस लॉन्च की, और अगर इनके फ्लीट की बात की जाए तो इनका फ्लीट अब 100+ बसेज हो गया। तो चूँकि इनको 7-8 साल हुए हैं, तो ऐसे सही है जल्दी कवर कर जाएंगे। तो दोस्तों, बिलाल ट्रैवल एक अच्छी बस कंपनी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।